बेखौफ खनन माफियाओं अवैध हथियारों के बल पर किया होमगार्ड अपहरण। उधम सिंह नगर में अपराधियों और खनन माफियाओं में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, यहाँ अपराधी ही पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। अवैध खनन माफिया खुलेआम खनन तो कर ही रहे हैं, साथ ही जब चाहे पुलिस कर्मियों और होमगार्ड का अपहरण कर दे रहे हैं। बीते दिन खनन माफियाओं ने बेखौफ होकर अवैध हथियारों के बल पर एक होमगार्ड का अपहरण कर लिया और पकड़े गए डंपरों से छीन कर फरार हो गए। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि बदमाशों ने होमगार्ड को दूर ले जाकर फेंक दिया। दरअसल कल देर शाम भाजपुर में तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने देर शाम छोई मोड़ से अवैध खनन में लिप्त एक डंपर को पकड़ लिया था, जबकि डंपर चालक मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद तहसीलदार ने होमगार्ड मोहम्मद असलम और हुसैन को डंपर की निगरानी करने के लिए मौके पर तैनात कर दिया। लेकिन तभी डंपर की निगरानी कर रहे दो होमगार्ड के पास हथियार बंद लोग पहुंच गए और मोहम्मद असलम के साथ मारपीट की और डंपर में बैठे होमगार्ड हुसैन का हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया और अवैध खनन सामग्री से भरे डंपर को अपने साथ ले गए। बाद में बदमाशों ने होमगार्ड हुसैन को रुद्रपुर के समीप सड़क किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। ये घटना कब और कैसे घटी, सुनिए तहसीलदार अक्षय भट्ट की जुबानी। या रात्रि के समय मुझे इसमें कॉल आता है असलम का, मैंने बताया कि सर इसमें ऐसा ऐसा हो गया है और करीब 5-6 लोग आए हैं, जो मैं यहाँ पे डंपर के गेट में खड़ा था तथा हमारा जो दूसरा साथ का होमगार्ड है वो डंपर में बैठा हुआ था, तो कुछ लोग आए हैं और वो उसने मुझसे धक्का मुक्की करी है तथा जो दूसरा हमारा होमगार्ड जो डंपर में बैठा है उसको वो लोग अपने साथ डंपर स्टार्ट करके ले गए हैं। तो उसके पैसा मौके पे हम लोग पहुँचे तुरंत और इसमें पता चला, क्योंकि अति संवेदनशील प्रकरण था, मौके पहुँच करके तुरंत इसमें मैंने इन्फॉर्म किया, जो हमारे चौकी इंचार्ज दुराहा है उनको इन्फॉर्म किया और उनके द्वारा अपने स्तर पे आगे की टीम को अलर्ट किया गया। उसके पश्चात कुछ समय बाद ये जानकारी मिली कि आगे गदरपुर रुद्रपुर कहीं आगे उसको जो हमारे साथ वो जो उनके साथ होमगार्ड गया था उसको आगे किसी स्थल पर इन्होंने छोड़ दिया था, वहाँ पे छोड़ दिया था। और उसके पश्चात फिर रात्रि को ही हमने वो फिर व्यक्ति को जो हमारे साथ जो उनके डंपर में जो होमगार्ड था वो उसको हमने वहाँ पे थाना चौकी में वो आया और उसके द्वारा रात्रि में ही जो घटना पूरी घटित हुई है, किस तरह से उसको ले गए और क्या पूरी पूरी जो घटना थी उसके संबंध में उसके द्वारा रात्रि में ही दुराहा चौकी में FIR दर्ज किए जाने हेतु तहरीर दे दी गई है। जी, इसमें क्योंकि जो मौके पर असलम थे हमारे होमगार्ड, तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके जो जो भी व्यक्ति आए थे, ये लोग जो भी दमंग ये व्यक्ति आए थे, इनके साथ हथियार बंद थे और उसी के बल पर ये जो हमारा होमगार्ड बैठा हुआ। फिलहाल इस मामले में होमगार्ड हुसैन ने दोराहा चौकी में तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है। होमगार्ड की किडनैपिंग की ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। क्या उधम सिंह नगर में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? आखिर उधम सिंह नगर में आपराधिक घटनाओं में कमी क्यों नहीं आ रही है? फिलहाल जो भी हो, ये तो साफ है कि अपराधियों और खनन माफियाओं में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। उधम सिंह नगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।